पंजाब में एक चीज़ देखने को बहुत मिल रही है, धर्म परिवर्तन। लोगों को मूर्ख बना के धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का पर्दाफाश करती है यह वीडियो। धर्म परिवर्तन करने वाले की स्टेजों पर तुम देखा होना कि किवें लोगों को मूर्ख बनाया जाता है जो किसी की बीमारी ठीक कर दी जाती है। तो इस दिखाया जाता है कि किवें उस ट्रेनिंग दिता जाता है, जो मरीज़ को स्टेज उत्ते लिया जाता है तो वह नकली मरीज उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है, उन्होंने रिहर्सल की जाती है। इस वीडियो के सानू साफ नज़र आ रहा है, तुम देख सकते हो किवें ट्रेनिंग दी जाती है तो किवें जो स्टेज के उत्ते करना उस तरीके की रिहर्सल पहलों तो ही करवाई जाती है। इन्हां वल्लों उस चीज़ का पर्दाफाश करती है यह वीडियो। तो इस वीडियो नूं उन्हां लोकां नाल भी जरूर साझा करो जिन्हां का यह मनना कि यह सब कुछ असली हुंदा है, तो वह धर्म की आस्था विच आ के इन्हां मूर्ख लोगों के अड़िके चढ़ी जाते हैं। लेकिन मास्टर पंजाबी धरती के उत्ते जिहड़ा ये पखंडवाद का ड्रामा रच रहे हैं इन्हां ते कोई भी सरकार जिहड़ा एक्शन लैण दे लई जिहड़ा वो तैयार नहीं है। कई बार असं लोग बोल तो दें कि आ देख सरदार बंदा कि जाके सिखी रिप्रजेंट करता तो जाके उ संधा दे या तुसी कहते दूसरे धर्म प्रचारकों के उत्ते शोआ उत्ते जाके इदा के नाटक इदा के लक्षण करता। तो इस पिछे एक होर सच्चाई आ जिसनों देख के तुसी हैरान रह जाओगे कि यह भी लोग जिवें इन्हां दे मरीज पैसे लेके नाटक करन आए होंगे ने, यह बंदयां नूं आम बंदयां नूं उत्थे दूसरे साउथ इंडियन बंदयां नूं चक के पग्गां बन के उन्हां नूं सरदार बनाया जांदा ताकि लोगों को यह लग सके, लोगों की पंजाब के लोगों की मैंटैलिटी इस तरह की बन सके कि लोगों के दिमाग च रहे यार आह जे सरदार बंदा जा रहा तो आपां नूं की है, चल कोई नहीं। इस तरीके देख के लायो लग दे विच इहनां दे पिछे एक दे पिछे दूजा, दूजे दे पिछे तीजा, इदां एक दूसरे नूं देख के बाइबल बारे जानकारी हैगी तैनूं? मैं बाइबल दे विच इसाई नाम यसू मसीह दा जन्म कित्थे होया बोल किन्नी साल तो होया बोल। तुसीं देखिया होना कि यह इदां दे बीमार दुखी लोगों नूं टारगेट करते हैं जिन्हां नूं जिहड़े लोगों नूं खुद नूं इदां जिहड़े सोचदे हुंदे ने कि साडे कोल पैसे नहीं हैगे, साडा माँ बाप या बच्चा बीमार पिया इस दे इलाज लई पैसे नहीं हैगे, या जिन्हां कोल पैसे हुंदे ने पर इलाज नहीं हो सकदा हुंदा उह इस स्टेज दे उत्ते इदां दी भयानक बीमारी दे नाल जुड़ जांदे ने। तां की करदे ने इहनां नूं, इहनां नूं जिंदगी दे विच उम्मीद हो जांदी आ एक चमत्कार दी कि साडी जिंदगी दे विच कोई इदां दा चमत्कार होवे कि असीं ठीक हो जाइए। पर ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਐਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ 12-12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਡਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੀ ਕੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੈਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੜਕਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਪੈਰ ਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ऑपरेशन करवाने को कहा। किसने कहा है? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा है लेकिन वो भी तो इंसान ही है। शायद जो पंजाब दे विच हो रहा है इसके बारे चर्च ऑफ लंडन नु इसके बारे नहीं पता, जे पता हुंदा तां शायद वो जरूर इसके बारे कोई एक्शन लेंदे क्योंकि जो ईसाई धर्म है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, गॉड जीसस सीगे वो भी प्रैक्टिकल सोच रखते थे। तो देखो ना इन्हों ज़्यादातर मनने वाले जो विदेशों में है जो शुरू तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं वह भी इन्ह वहमां भरमां दे विच विश्वास नहीं रखते, ही शायद वो तरक्की दे राह ते ने। पर साडे वाले जिन्हां नूं पहलां नेता लोग मूर्ख बनाए जांदे ने ते
उस तो बाद इदां दे कोल मूर्ख बने जांदे ने जिहड़े नकली प्रचारक हुंदे ने ड्रामेबाजियां करन लग जांदे ने जे इत्थों बच जांदे ने तां डेरे वालियां कोल फस जांदे ने बहुत सारे सवाल खड़े हुंदे ने इस चीज़ नूं लेके ते जो चीज़ां असीं सोच भी नहीं सकदे जो साडियां चीज़ां हाले माइंड विच भी नहीं आ रहियां इस चीज़ां बारे सानूं आउण वाले 5-10 सालों में पता लगेगा। फिलहाल साड़ी सरकार नूं इदां दा कोई मुहिम शुरू करनी चाहिए जिस दे नाल साड़ी नसल बचे ते साडे लोग अंधविश्वास तो दूर रहन। होर भी तुहानूं इदां दी अपडेट्स दिंदे रहांगे, जुड़े रहो रुतबा पंजाब।